वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए, सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फोकस करेंगे यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन पर। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों सब्जेक्ट। पहले वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस पर, तो मोटा मोटा जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। तो देखिए, इंग्लिश कंपलसरी में क्या क्या आता है और हिंदी कंपलसरी में क्या आता है, जो इसके पेपर बने पेपर टू। 300 अंकों का इसका पूर्णांक होता है और कम से कम 25% मार्क्स इसमें लाने पड़ेंगे, मतलब 75 नंबर इसमें लाने पड़ेंगे, वरना कॉपी चेक नहीं होंगी। जो दूसरी है ना, जीएस की, जीएस पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और एससी की भी चेक नहीं होगी अगर इसमें 75 नंबर नहीं आए। सबसे पहले ये दोनों कॉपियाँ चेक होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हिंदी इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, इंडिया में कोई कहाँ कहीं पर भी रहता हो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं पर भी। लेकिन जो हिंदी है, इसकी जगह आप जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भाषाएं ना, 22 भाषाएं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ इसमें आता क्या क्या है, क्या सिलेबस है। और जो 2018 का पेपर इसमें आया था ना मुख्य परीक्षा में, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, उसको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत आसान है, कोई हुआ इसका कुछ नहीं, आराम से पास हो जाओगे, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेंस में अच्छा लिख सकते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन वो इंग्लिश में फेल कर जाते हैं, या कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बहुत कम है, 1-2% जो हिंदी में फेल कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं, जीएस की प्रैक्टिस, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, एससी की भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनको एग्ज़ाम हॉल में लिखते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हॉल में लिखते हैं कि हाँ ये तो हो जाएगा क्वालिफाइड। तो हो जाएगा क्वालिफाइड के चक्कर में वो क्वालिफाइड नहीं होता, अटक जाते हैं वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का जो कंपलसरी पेपर है ना, इंग्लिश का पेपर वन जिसको बोलते हैं, पेपर टू क्या हुआ हिंदी का कंपलसरी। तो आता क्या है, देखिए इसमें पूर्णांक 300 अंकों का, पहले बता चुका हूँ, 300 नंबर का पूर्णांक है इसका, जो टोटल है 300 मार्क्स का है। अब इसमें देखिए, एक तो एससे आएगा, चार एससे आएंगे, चार एससे में से एक एससे लिखना पड़ेगा आपको, और ये एससे होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का एससे है, और वर्ड लिमिट है इसकी 600 वर्ड लिखने पड़ेंगे कम से कम। और देखिए, एक आएगा पैसेज, उस पैसेज में से छाटने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश में है सब कुछ, जो आएगा 75 नंबर का। और एक आएगी प्रेसी, जो है 75 नंबर की। प्रेसी क्या होती है, एक पैसेज लिखा होगा वहाँ पर, उसको पढ़ना है और अपने अनुसार, मतलब जो आपके माइंड में समझ में आया और इंग्लिश में उसको छोटा करके लिखना है, मतलब संक्षिप्त रूप जैसे हिंदी में लिखते हैं ना वैसे लिखना है। 50 नंबर की आएगी ग्रामर, ग्रामर में क्या होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, लिखने के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रपोजिशन और एंटोनियम सिनोनियम 5। ऐसा होता है किसी किसी साल 5 एंटोनियम पूछ लिए, किसी किसी साल 5 सिनोनियम पूछ लिए, 5 आएंगे इडियम और फ्रेजेस और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो टोटल मार्क्स है, सिंपल सा फंडा है, चार चीज़ें हैं ये। अब देखिए, आप अगर इसमें 75 नंबर लाना चाहोगे, पास होना है ना आपको, तो किस चीज़ पर फोकस करना चाहोगे आप? अगर आप चाहते हो ना ऐसे मत लिखो, ऐसे नहीं पढ़ना चाहते, नहीं लिखना चाहते ऐसे कि मैं नहीं लिखूंगा ऐसे, तो आप इनसे भी क्वालिफाइड हो जाओगे। लेकिन पता है कि आपको ग्रामर अच्छे से मजबूत करनी पड़ेगी आपकी, और ग्रामर में कम से कम 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ग्रामर में 30 मार्क्स। और प्रेसी लिख दो, थोड़ी बहुत प्रेसी लिख दो, तो इसमें कम से कम 8 मार्क्स लिया हो यहाँ पर। और पैसे से क्वेश्चन आंसर तो छाट ही लोगे ना, पैसे से क्वेश्चन आंसर तो छाट ही लोगे, 75 में से कितने 20 लिया होगे कम से कम, तो कितने हो गए 30, 40, 50, 58 हो रहे हैं तब भी। इसलिए इसका आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। ये उसके लिए जो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत कम तैयारी में ये वो, तो इसमें देखा जाए तो कितना, अब कितना बचा आपके पास, 30, 40, 50 और ये 58, और 20 नंबर की कमी पड़ रही है देखा जाए तो। 20 नंबर ऐसे में ले आओगे क्या 100 में से? अगर नहीं लाते ना, नहीं ला पाते हो, तो देखिए ग्रामर को और अच्छे से मजबूत करिए, ग्रामर को अच्छे से मजबूत करिए, 30 तक पहुँचाइए इसको। देखिए 30 तो लाने पड़ेंगे इसमें। प्रेसी में चलिए, संक्षिप्त रूप नहीं लिख पा रहे हो तो इसमें, इसमें अच्छा करो कम से कम, 75 है ना, इसमें 25 तक मान के चलो, तो 30, 40, 50, 55 हो गए। अब 55 में, अब जब बाकी जो कितने बचे, 55, 65, 75, 20, तो या तो वो 20 इसमें खींच लो या इसमें खींच लो तो क्वालिफाइड कर जाओगे, या फिर दोनों में लिखो। देखिए सबसे अच्छी बात है, अगर आप चाह रहे हो ना ऐसे नहीं लिखना, तो देखिए उस चाहत को हटा दो थोड़ी देर। देखिए कुछ भी लिखो, लेकिन ऐसे में कम से कम लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ जो है ना ये लाना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर मार्क्स। जो कॉन्वेंट वाले हैं वो भी कभी कभी फेल कर जाते हैं इसमें, ऐसा नहीं है।
तो इंग्लिश इसकी ठीक ठाक है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हुआ बना रखा है इंग्लिश का। इस बार जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं 2018 में हिंदी माध्यम के, इंग्लिश में ही लुढ़के हैं वो, क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, एग्ज़ाम हॉल में जाकर लिखते हैं। तो चलिए फिलहाल अब दिखाते हैं इसका सिलेबस क्या है, पेपर में क्या क्या आता है, उसके बाद हिंदी का। चलिए तो देखिए, ये है सिविल सर्विसेज मेंस 2018, पिछले साल का पेपर। इंग्लिश कंपलसरी, जो टाइम लिमिट है 3 आवर है, और जो टोटल मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं। 25% आने हैं, 300 300 में से 25%, 75 मार्क्स आने हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आता है एसे। तो सबसे पहले है इसमें एसे, एक एसे लिखना है 600 वर्ड पर, जो है 100 मार्क्स का। और एसे का देखिए इस बार क्या पूछ, नॉर्मल से टॉपिक रहते हैं देखा जाए तो। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाला है आराम से इसमें अच्छे मार्क्स कर लेते हैं, 150, 120, 125, ना कम पढ़े लिखने वाले भी अगर है जो मीडियम है उसका, तो अपने मीडियम में अच्छा स्कोर कर लेता है, 90 से 95। देखिए सिंपल से टॉपिक है, एकदम नॉर्मल, जैसे हल्का फुल्का इंग्लिश पढ़ते रहना डेली इसलिए। तो देखिए, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन द इंडियन फैमिली पहला टॉपिक है, दूसरा है लिटरेचर मिरर सोसाइटी, तीसरा है वेमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, और चौथा है रूरल अर्बन डिवाइडेड इन इंडिया, रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडिया। तो देखिए इस आसानी से टॉपिक है सिंपल देखा जाए तो इसमें किस पर लिख सकते हो आप, देखा जाए तो सब पर टॉपिक हल्का फुल्का लिख सकते हो आप। तो एक टॉपिक को चूज़ कर लो, मान लीजिए देखिए वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो, लेकिन इंग्लिश में लिखना है ना। तो स्टार्ट कर दो, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस तब से, एनी बेसेंट सबसे पहले बनी, वहाँ से स्टार्ट करो। उसके बाद सरोजिनी नायडू के बारे में बताओ, फिर इंदिरा गांधी सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत की प्रधानमंत्री रहीं, उसके बाद जो सुचेता कृपलानी हो गई, और जो पहली मुख्यमंत्री जो बनी, इन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताओ। करंट में कौन चल रहा है, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल सीएम। तो ये सब छोटा छोटा करके हल्का फुल्का भी लिख दोगे ना नॉर्मल से, 600 वर्ड भी कवर नहीं कर पा रहे हो, 200 वर्ड, 250 वर्ड भी खींच दिया ना, जो मान लो 300 वर्ड आधे वर्ड में खींच दिया, तब भी 8 नंबर तो मिलेंगे ना, खाली छोड़ने से अच्छा है 8 तो मिलेंगे। इसको अगर थोड़ा सा बढ़ाओ, बिल्कुल नहीं आता, कम से कम मान रहा हूँ मैं 10 तो मिलेंगे ना कम से कम, तो 10 तो ला ही सकते हो ना, 100 का कम से कम 10% तो ला ही सकते हो ना। आगे देखिए, सेकंड इसमें एक लिखना है, देखिए क्या है ये, सेकंड है इसमें देखिए, रीड द केयरफुली पैसेज और उनका आंसर देना, फिर जो इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये 75 नंबर का देखिए एक ही पैसेज है, 75 नंबर का एक पैसेज है, 5 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न जो है वो 15 नंबर का, ये कुछ इस तरह से पैसेज आता है। ये पैसेज होगा कम से कम 200 वर्ड का होगा। तो इस पैसेज में से देखिए एक प्रश्न, 5 प्रश्न होंगे, 1 2 और 3 4 5। तो ये पांच प्रश्न है, एक प्रश्न 15 नंबर का। तो इसमें देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं अपने, इसमें ला सकते हो ना नंबर 75 में से कितने ला सकते हो, अच्छे से अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 30 तो ला ही सकते हो ना। अच्छे से प्रैक्टिस का मतलब डेली प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स निकल गया तो जो बीच में 3 महीने का टाइम मिलता है ना, डेली अच्छे से प्रैक्टिस करो उसकी 1 घंटा, तो 30 मार्क्स तो लेकर ही आ जाओगे ना इसमें, और अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो 35। देखिए इसमें मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मार्क्स नहीं मिलते। मान लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कैंपिंग अगेंस्ट घुरिद। तो मान लीजिए ये प्रश्न पूछा है इसमें, अब आप पता है क्या, इससे रिलेटेड अगर सीधे सीधे लाइन भी उतार दोगे ना, सीधे सीधे, तब भी मार्क्स मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन पता है तब कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स दे देगा, या 3 भी ज़्यादा हो गया तो 2 दे देगा, या 2.5 दे देगा, तो तब भी मार्क्स मिलेंगे नॉर्मल लिखने पर, सीधी सीधी लाइन उतार देने पर, जैसे जैसे पूछा है। लेकिन अगर अच्छे से आपने डिफाइन करके लिखा ना, कंजक्शन दैट, चीज़ों को इसमें जोड़ते कैसे हैं, कंजंक्शन से जोड़ते हैं, प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं बीच में, और अधिकतर लिखना देखिए इसके जो आंसर दिए जाते हैं ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिए जाते हैं, तो इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसमें 30 तक उठा लोगे, तो कम से कम 30 तक उठा लोगे, और कम नॉर्मल से नॉर्मल ऐसे भी लिखोगे ना तो 8 इसमें ले आओगे, 8 से 10, 10% तो ला ही सकते हो ना, तो कितने हो गए, 30 और 10 40 हो गए, कितने बचे अब, 4 3 7, तो 35 लाने हैं नीचे, तो 35 कवर कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं नीचे। अब देखिए इसके बाद आती है, एक आती है प्रेसी, एक आती है देखिए, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज और रिटर्न इन योर ओन वर्ड्स।
तो इसको अच्छे से पढ़ना। ये भी देखिए 75 नंबर की है, जैसे एक व्याख्या आती है ना उसको छोटा करके लिखना अपने वर्ड में कितने नंबर का। 75 मार्क्स की है ये भी, 75 नंबर की है ना, तो इसमें देखिए अच्छे से पढ़ो। देखिए इंग्लिश की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो ज़्यादातर हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं हिंदी हिंदी पढ़ते रहते हैं, वो तो कंपलसरी है। ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो इसको पढ़ोगे अपनी भाषा में, छोटा करके लिखोगे। मान लीजिए इसमें अगर 200 वर्ड हैं तो इसको छोटा कर लो, 50 वर्ड में लिख दो, तो 75 में से कितने, 10 तो ला ही सकते हो ना, इसमें भी 10% तो ला ही सकते हो, तो कितने हो गए थे वहाँ पर, 30 40 50 हो गए थे। अब 25 नंबर नीचे कहाँ मिलेंगे आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाता है ग्रामर का सेक्शन शुरू, ग्रामर का सेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो 10 नंबर में देखिए ये 10 वर्ड हैं, मतलब 10 सेंटेंस है, क्या करना है इसको। तो देखिए ये है कुछ, देखिए री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। नेसेसरी करेक्शन करना, और एक नोट है, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंज इन द ओरिजिनल सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है इसमें देखिए, ही डाइड विथ फीवर। तो देखिए इंग्लिश अगर ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो यहाँ चलता है ना एक रूल, ही डाइड विथ फीवर, तो डाइड ऑफ कैंसर, डाइड फ्रॉम कैंसर, तो ऑफ बीमारी से मरने को क्या बोलते हैं, बीमारी से मरने के लिए ऑफ लगाते हैं ना वहाँ पर, बीमारी से मरने के लिए ऑफ लगाते हैं, और अगर किसी एक्सीडेंट से मरा है तो वहाँ पर फ्रॉम लगाते हैं, इंग्लिश का यही रूल है ना। तो ही डाइड ऑफ फीवर या ही डाइड ऑफ कैंसर। तो इनको छोटी छोटी मिस्टेक हैं, इनको करेक्ट करके लिखना है। जैसे राम एक्टेड विथ माई प्रपोजल, तो इसको करेक्ट करना है। ये सारे अधिकतर इनकरेक्ट ही होते हैं, कुछ एक एक होगा इसमें करेक्ट जो सेम, कुछ अननेसेसरी चेंज कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के आते हैं, देखिए ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो इनकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये। तो 10 हैं ये, एक नंबर का एक है। आगे देखिए क्या है, आगे है सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, सप्लाई द मिसिंग वर्ड। तो देखिए कुछ यहाँ पर है, देखिए डू नॉट टेक, जो सेकंड है, डू नॉट टेक लॉ डैश योर हैंड्स, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, इनटू आ जाना चाहिए यहाँ पर, क्या आ जाना चाहिए, इनटू आ जाना चाहिए। डू नॉट टेक्स लॉ इनटू योर हैंड। देखिए एक सिंपल, बॉलीवुड में बहुत सारे मूवी में देखा होगा ना आप लोगों ने, कि अपने आप को कानून के, कानून मतलब बोलता नहीं है पुलिसमैन उसमें, कि कानून को अपने हाथ में, मतलब डोंट टेक लॉ इन टू योर ऑन हैंड। तो ये वही है, सिंपल सी लाइन इसमें पूछ ली है देखा जाए तो। आगे है द क्रिमिनल वाज विस्क डैश टू द कोर्ट, तो क्या हो जाएगा, अवे हो जाना चाहिए यहाँ पर, AWAY। इसको जल्दी जल्दी होता है क्या इसका मतलब, द क्रिमिनल वाज विस्क का मतलब जल्दी जल्दी, मतलब उसको कोर्ट ले जाया गया था, तो अवे हो जाना चाहिए यहाँ पर। और द गर्ल डैश इन टू डिप्रेशन 2 ईयर अगो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो वर्ड है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये। आगे देखिए इसमें क्या है, आगे है इसमें यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। तो 50 नंबर की ग्रामर है ये, इसको देख के लग रहा होगा आपको नॉर्मल ही है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्वालिफाइड इसमें कर जाओगे। देखिए जैसे ये है, द ओल्ड बेगर बाज डैश बाई ए मैड डॉग, तो बाइट का क्या लगा दोगे यहाँ पर, बिटन होना जाए, बिटन हो जाएगा ना। द ओल्ड बेगर बाज बिटन बाई अ मैड डॉग, उसको काट लिया गया। रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ डैश अप, तो गो की क्या हो जाएगी, गो वेंट गॉन, क्या हो जाना चाहिए, थर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए ना, गॉन हो जाएगा। रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, मतलब जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ गए हैं, मतलब हाल ही में बढ़े हैं ना, तो थर्ड फॉर्म चली जाएगी यहाँ पर, तो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। और स्टैंड की क्या होती है, स्टैंड स्टूड स्टूड, तो द बुक हैज़ स्टूड, द बुक हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आगे क्या है देखिए, बिगन, बिगन की क्या होती है, बिगन बिगन बिगुन, तो ही हैड बिगन हिज स्पीच बिफोर वी अराइव्ड, ही पाथ वाज स्ट्रू का क्या हो जाएगा, स्ट्रूड होना जाना चाहिए, ही पाथ वाज स्ट्रूड विथ फ्लावर्स। तो इस तरह से भर सकते हो इसमें, और 5 में से कम 4 तो यहाँ ला ही सकते हो ना। देखिए 4 इसमें हो गए, इसमें थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इसमें 2 मान लो कम से कम, 4 इसमें मान लो, 4 2 6 हो गए, इसमें करेक्ट करके कितने 10 है, तो 10 में से 5 तो करेक्ट कर सकते हो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो 6 5 11 हो गए। आगे देखिए क्या है, एंटोनी में
राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल से वर्ड हैं जो दैनिक दिनचर्या में यूज़ होते हैं, और इंग्लिश पेपर अगर थोड़ा बहुत पढ़ते होगे तो उसमें रिपीटेशन इनका होता रहता है। ये कुछ चेंज होते हैं, देखिए जैसे 2018 में एंटोनिम पूछे, 16 में सिनोनिम पूछे थे, तो ऐसा ही चेंज करता रहता है, कभी एंटोनिम दे दिए कभी सिनोनिम, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए पहला जैसे वर्ड है सगासियस, तो सगासियस कुछ वर्ड देखिए मैंने लिख लिख कर याद करता था इसको रिलेट करके इंटरलिंक करके। सगासियस मतलब के साग खाने वाला बुद्धिमान होता है, सगासियस साग खाने वाले बुद्धिमान समझदार होते हैं। तो सगासियस का मतलब क्या होता है, सगासियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट हो गया, ब्रिलियंट हो गया और सेंसिबल हो गया, क्लेवर हो गया। तो एंटोनिम पूछा ना, मतलब विलोम शब्द पूछा, तो इंटेलिजेंट का कर दो उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, अन इंटेलिजेंट हो जाएगा, और ब्रिलियंट का क्या, डल हो गया, फुलिस हो गया। तो सगासियस मतलब ब्रिलियंट, तो फुलिस डल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। और क्या है अटेनुएट, अटेनुएट मतलब क्या होता है, अटेनुएट मतलब कम करना, पतला करना, ये तो होता है ना अटेनुएट, डेली का वर्ड है। अटेनुएट मतलब कम करना, पतला करना, तो इसका मतलब क्या हो गया, कट डाउन हो गया, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा अटेनुएट का, पतला करना, कम करना का मतलब, तो इंक्रीज्ड करना हो गया, बड़ा करना। और बॉडी, बाउडी जिसको बोलते हैं, बाउडी का मतलब क्या, सिंपल वर्ड है, बाउडी मतलब डर्टी, मैसी, मडी, अनवॉश्ड, मतलब गंदा होता है ना बाउडी मतलब, तो गंदे का क्या हो गया, क्लीन हो जाएगा इसका, इसका क्लीन हो जाएगा एंटोनियम। एटेनुएट का क्या क्या था, एटेनुएट मतलब एटेनुएट कम करना, पतला करना, तो इंक्रीज्ड हो जाएगा इसका, इंक्रीज्ड हो जाएगा। सगासियस मतलब ब्रिलियंट, साग खाने वाला बुद्धिमान समझदार, तो उल्टा डल, अन इंटेलिजेंट, फुलिस। डोरमेंट तो पता ही होगा, डोरमेंट सीड, एक्टिव सीड, डोरमेंट मतलब सुस्त, सुप्त, सुसुप्त, तो एक्टिव हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा। डोरमेंट क्लेवर तो नहीं होगा, एक्टिव लगा लो, डोरमेंट मतलब सुस्त, सुप्त, सुसुप्त, तो क्लेवर हो ना। डोरमेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। डेंस, डेंस इसको क्या पढ़ेंगे, डेंस पढ़ेंगे, तो डेंस का मतलब क्या होता है, कुंद, मुद, कुंद मूर्ख, मतलब फूल, स्टूपिड, थिक, डफर, यही होता है ना डेंस का मतलब, तो क्या हो जाएगा उल्टा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए कुछ तो एक दूसरे से ही चेंज हो गए, इंटरलिंक हो गए। तो डेंस का मतलब एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल थोड़े देखिए, इसमें कम से कम तीन तो आ ही जाएंगे ना कम से कम। आगे क्या देखिए, आगे देखिए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो देखिए ये चेंज इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, नॉर्मल सी सेंटेंस है, नॉर्मल तभी है जब प्रैक्टिस करोगे। एक्टिव वॉइस में इसको वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको रीराइट यूजिंग तो का यूज़ लगा कर चेंज करना है, नो सूनर का यूज़ लगा कर इसको चेंज करना है, और चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस इसको बनाना है, अनलेस का यूज़ लगा कर इसको करना है, रीराइट आइदर और लगा कर इसको बनाना है, रीराइट इन ऑर्डर टू लगा कर इसको बनाना है, और चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है, और रीराइट वाइज यूजिंग टू का यूज़ लगा कर इसको बनाना है। जैसे ही इज़ ओल्ड डैस ही कैन नॉट क्लिंब स्टेयर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, तो चलिए हो जाएगा ये टू का यूज़ हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए यहाँ जो कैपिटल में ही, फिर यहाँ भी दो कैपिटल में, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू ओल्ड ही कैन नॉट क्लिंब स्टेयर्स, तो ये जो ही आएगा ना ये वाला, ये छोटा आएगा यहाँ पर, ये चीज़ों का ध्यान रखना, इसमें छोटी छोटी बातों में गलत हो जाएगा अपना स्टेटमेंट। तो आगे देखिए क्या है इसमें, आगे कुछ सेंटेंस हैं फॉलोइंग वर्ड इनका देखिए, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड टू मेक सेंटेंस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। तो देखिए एक अपनी भाषा में इनको, और यहाँ पे लिखा होगा ऑन वर्ड में कुछ, देखिए इन सेंटेंस का यूज़ करके ना ये जो सेंटेंस है एक मीनिंग बनाना, मतलब वाक्य बनाना है इनको। जैसे मैंडेटरी का क्या मतलब है, मैंडेटरी का अनिवार्य होता है ना, डायलेमा का क्या मतलब है, दुविधा, असमंजस, पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड का क्या होता है मीनिंग, पेट्रीफाइड मतलब भयभीत होना। और क्या है ऑब्सकेट, ऑब्सकेट का मतलब होता है सर अंधेरा करना, ऑब्सकेट। डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट, मेहनती, तो डिलीजेंट मतलब मेहनती। अब देखिए नॉर्मल से वर्ड हैं डेली न्यूज़पेपर में आने वाले, दैनिक दिनचर्या में काम आने वाले, तो इनका यूज़ करके तुम बना सकते हो। तो मैंडेटरी, डायलेमा, पेट्रीफाइड और ऑब्सकेट, डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट, मेहनती। तो सेंटेंस को बना के कम से कम दो नंबर तो इसमें ला ही सकते हो ना। आगे क्या है देखिए, आगे है इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करके इनको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। जैसे यहाँ पे
इंस्टॉल आएगा या इंस्टिल आएगा, रिटर्न आएगा, रिपोर्ट आएगा, रेन आएगा, रीजन आएगा, और क्या है इसमें? तो इसमें भी देखिए तो सिंपल सही है, देखा जाए तो तुक्का भी चलाओगे ना, तो दो तुक्के तो लगेंगे ना इसमें, ये प्रैक्टिस कर लोगे तो तीन तक बना दोगे। चलो इसमें तो यही सिलेबस है, इडियम फ्रेज भी आते हैं इसमें, इडियम फ्रेज आते हैं इसमें, पांच आएंगे, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे थ्रो थिक एंड थिन, सिटिंग ऑन द फेंस, थ्री कोल्ड वाटर, फुट द बिल, तो कुछ तो नॉर्मल से हैं जो हर बार रिपीट होते हैं दूसरे एग्ज़ाम में, कुछ इसमें सीधे सीधे कई बार बैंक के क्लर्क में भी आ चुके हैं। तो कितना हो गया इसमें, देखो देखो 10 ये था, 50 नंबर की ग्रामर है ना टोटल, तो 50 में से कितना, 25 तो ला ही सकते हो ना, प्रैक्टिस करोगे तो 25 ही हो गए। सबसे ज़्यादा फोकस पता है किसको करना है? सबसे ज़्यादा फोकस करना है ये 75 नंबर की जो किधर गई, 75 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर छाटना है, इसमें कम से कम 30 तो लाने पड़ेंगे। तो 30 और 25 कितने हो गए, 55 हो गए, कितने बचे, 20 बचे। तो 20 में एक ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा कम से कम, अच्छे से ऐसे लिख दो, नॉर्मल सा भी लिख दो, 10 तो देगा ना, 10% 100 में से, तो 65 हो गए, बाकी के 10 किस में से निकालोगे? एक प्रेसी भी लिख के आ जाना, किधर गई प्रेसी, दिए। देखिए नॉर्मल ऐसे भी उतार दोगे ना सीधा सीधा, तब भी नंबर देगा, पता तब कितने देगा, 4 दे देगा या 3 दे देगा, 3.5, तब भी मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि काट देगा पूरा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो 10 तो निकाल ही लोगे ना, हो गए 75, पास हो जाओगे अच्छे से। तो ये इंग्लिश का सिलेबस था, नॉर्मल है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये खाली पेपर उसी दिन बैठ के दोगे। चलिए हिंदी पर नज़र डाल लेते हैं एक बार, चलिए इंग्लिश हो गया, अब ज़रा जल्दी से हिंदी पे भी नज़र मार लेते हैं ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो जाए। तो एक हिंदी कंपलसरी है इसमें पेपर टू, अब इसमें भी सेम वैसे ही जैसा इंग्लिश में है वैसे हिंदी में, जैसा इंग्लिश में है वैसा हिंदी में। तो इसमें भी एक निबंध आएगा, 4 में से एक लिखना है। देखिए एक तो नॉर्मल ऐसे वो वाला है जो सबको लिखना है हिंदी इंग्लिश, एक ये कंपलसरी वाले जो ऐसे हैं। तो नॉर्मल सा ऐसे है इसमें 600 वर्ड में, जिसकी कीमत है 100 नंबर। एक परिच्छेद आएगा, उससे प्रश्न उत्तर छाटने पड़ेंगे, तो अंग्रेजी में 75 का था, इसमें 60 का है। संक्षिप्त व्याख्या होगी, जैसे पैसेज अंग्रेजी में वैसे ही एक पैसेज आएगा, अपने शब्दों में उसको पढ़िए और छोटा करके लिखिए। अब इसमें जैसे PCS वाला आता है ना, जैसे UP PCS में उसी तरह थोड़ा बहुत है, कि इसमें पता है क्या, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आएगा, फिर अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद करने के लिए आएगा, ये 40 नंबर का आएगा। हिंदी से अंग्रेजी करोगे तो वो 20 नंबर का, अंग्रेजी से हिंदी करोगे तो वो भी 20 नंबर का। अगर आपको हिंदी से अंग्रेजी नहीं बन रही है तो कम से कम अंग्रेजी पढ़कर तो थोड़ा बहुत हिंदी में कर सकते हो ना। और इसमें उसमें व्याकरण 50 नंबर की थी, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इसमें 40 नंबर की है, टोटल इसका 300 मार्क्स है। अब चलिए इसका पेपर देख लेते हैं, नॉर्मल सा पेपर है हिंदी माध्यम वाला, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो लेके आ जाओगे कम से कम 180 इसमें, और नॉर्मल भी रहोगे तब भी 90 भी आ गए तो पास हो जाओगे। इसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं, लेकिन देख लेना कम से कम इसको। इंग्लिश मीडियम वालों को इसको अच्छे से देखना है, हिंदी इंग्लिश वाले इंग्लिश तो कवर कर ही लेते हैं, वो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को अच्छे से देखना, वरना कॉपी चकनी होगी। तो देखिए यह है हिंदी कंपलसरी अनिवार्य UPSC सिविल सर्विसेज मेंस 2018। इसको देकर कनिष्क कटारिया, अक्षर जैन और भी सब क्वालिफाइड हो गए हैं, यही पेपर आया था अभी हाल ही में पिछली बार। तो 300 मार्क्स का है, क्या आया देखिए, वही अंग्रेजी की तरह 4 ऐसे हैं, 600 वर्ड लिमिट में लिखना है निबंध, जिसकी कीमत होती है 100 मार्क्स। लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका हल्का फुल्का पड़ा होगा तब भी लिख दोगे। पर्यावरण और आत्मनिर्भरता, भूमंडलीकरण में भाषा की भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियाँ, तो सबसे अच्छा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी चुनौतियाँ, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता, आराम से ना भी पढ़ोगे तब भी ठीक ठाक लिख दोगे, और 20 नंबर तो आ ही जाएंगे इसमें। 20 तो चलो बहुत कम बोल दिए, हिंदी माध्यम वाले तो आराम से इसमें 35 से ला सकते हैं नंबर, 35 तो यही हो गए। अब ये देखिए ये आएगा एक गद्यांश, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके दिए गए प्रश्नों को लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 60 नंबर का देखिए, एक प्रश्न 12 नंबर का और 5 प्रश्न हैं। अब सिंपल सा है, देखिए सारे आंसर हिंदी में आराम से इसको लिख दोगे। 60 नंबर का 30 तो यहीं उठा लोगे, 30 उसमें हो गए, 30 उसमें हो गए, 60 यहीं हो गए, 60-65 तो यहीं हो गए, 10 नंबर और लाने क्वालिफाइड कर जाने के लिए। तो सिंपल सा देखिए, संसार का ध्यान गांधी जी की ओर किस लिए आकृष्ट हुआ, तो परिच्छेद के अनुसार ही आंसर देना, सब कुछ तो मिल जाएगा। शुद्ध बर्तन की गलती कम करना,
लेखन शैली थोड़ी ठीक ठाक, राइटिंग सही कर लेना, 12 में से कितने 8 दे देगा, हर में 8 9 8 9 ऐसे मिलेंगे। यह है एक परिच्छेद, इसको लिखिए पढ़िए और अपने भाषा में इसको लिखना, मतलब छोटा करके, और शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है साफ साफ, तो जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए। तो सिंपल है, इसको आराम से लिख दोगे, 60 नंबर का है ना, तो 30 इसमें आराम से आ जाओगे, 90 तो यहीं हो गए। देखिए आगे क्या, देखिए आगे एक गद्यांश है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये देखिए वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। नीचे एक इंग्लिश वाला, इसको हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, तो निम्नलिखित गद्य, ये 20 नंबर का है, तो इसमें भी देखिए 40 में से कितने 15 तो लेके ही आ जाओगे ना, 15 से 20, तो इसमें हिंदी वाले में आराम से क्वालिफाइड हो जाओगे। अब देखिए, उड़ती चिड़िया को पहचानना, नाको चने चबाना मतलब बुरी तरह परास्त करना, छाती पर मूंग दलना, और सेहल का फूल होना, पो बारे होना मतलब बहुत लाभ होना, दो दो नंबर का बहुत आराम से, 2 पंजे 10 में से इसमें कम से कम, इसमें 6 7 तो आराम से आ ही जाएंगे। आगे क्या, देखिए शुद्ध रूप लिखना है, तो आप अपना काम स्वयं कर लो, तो आप अपना तो होता नहीं, तुम अपना काम स्वयं कर लो, मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है, तो आत्म नहीं फालतू का वर्ड है यहाँ पर, मुझे भगवान पर विश्वास है, इस गीत की 2 4 लड़ियाँ सुना दो, तो लड़ियाँ थोड़ी होती हैं, पटाखे की लड़ी थोड़ी है, इस गीत की 2 4 पंक्तियाँ सुना दो हो जाएगा, मेरे को खाना दे दीजिए, मेरे को खाना दे दीजिए, तो क्या शुद्ध होगा इसका, मेरे को खाना दीजिए हो सकता है, या मुझे खाना दे दीजिए होगा, मेरे को नहीं होगा, मुझे खाना दे दीजिए। बे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बे इस शहर के धनी व्यक्ति हैं, इसका कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सा आप कर लोगे इसको। अब देखिए पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, दो दो सिंपल से हैं, देखिए बादल के 2 पर्यायवाची आराम से लिख दोगे, मेघ हो गया, घन हो गया, बारिद हो गया। जीव के 2 पर्यायवाची आराम से लिख दोगे, क्या हो गया, जीव का रसना हो गया, जिहा हो गया, अमृत का क्या हो गया, सोमरस हो गया, और अमीय हो गया, सूर्य का दिनकर दिवाकर भास्कर आराम से। परिवार का मतलब कुटुंब होता है, खानदान होता है, 2 आराम से हो गए, इसमें तो 10 में से 10 लाओगे, क्या दिक्कत है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखिए, इतना हल्का पेपर है, अगर कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है और वो केवल 15 दिन पहले ही प्रैक्टिस करेगा, तो वो आराम से इसमें पास कर जाएगा, हल्का फुल्का है। अब देखिए 2 अलग अलग वर्ड है यहाँ पर लिखना है, देखिए कुछ उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट करना है, जैसे नीरज और नीरद, और अबलंब अभिलंब, अन्न अन्य, तो अन्न का मतलब क्या होता है, अनाज होता है, अन्य का मतलब दूसरा, अनल मतलब क्या, आग अग्नि, अनिल मतलब हवा, तो उपयुक्त उपर्युक्त, और नीरज का मतलब जैसे कमल होता है, नीरद का मतलब बादल होता है क्या, तो सिंपल है। देखिए 3 तो इसमें बना ही दोगे ना, तो 3 2 6 आराम से इसमें क्वालिफाइड कर जाओगे, नॉर्मल हिंदी का कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान देना, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो थोड़ा हिंदी पर ध्यान देना। तो बस यही है, देखिए बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि कंपलसरी में क्या क्या आता है, क्या सिलेबस होता है, तो यही सिंपल सा सिलेबस है। चलिए अच्छे से इसको तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, बाकी देखते रहिए, सब्सक्राइब रखना, अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।